उत्तर प्रदेश टीजीटी और एनवीएस टीजीटी के लिए उर्दू की 28वीं क्लास में मैं एमएम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। पिछली 27 क्लासों में हमने टीजीटी के सिलेबस के मुताबिक सभी अहम टॉपिक कवर कराए हैं, साथ ही साथ सभी टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस किए गए हैं। तो अगर आप लोग ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक होगी, उसकी मदद से ज़रूर देखिए। आज हम लोग मर्सिया के बारे में पढ़ेंगे। मर्सिया का फ़न क्या है, इसका आगाज़ और इर्तिका कैसे हुआ, कुछ अहम मर्सिया नगारों के बारे में समझेंगे और फिर मर्सिया से मुतालिक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मर्सिया किस ज़बान का लफ्ज़ है ये समझ लेते हैं। तो मर्सिया जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये किससे निकला है, तो ये लफ्ज़ रेसा से निकला है। ठीक है, अच्छा रेसा के मानी क्या हैं, तो रेसा के मानी बैन यानी आहो पुका करने रोने के हैं। रेसा उन अशार को कहते हैं जिसमें मरने वालों का मातम किया जाए। मर्सिया इस्तिलाह में बिलुमूम उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले की खूबियां बयान करके उसकी मौत पर इजहार अफसोस किया जाए, और बिलखसूस मर्सिये का इतलाक उस नज़्म पे होता है जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत या उससे मुतालिक कोई वाकया गमंगेज पैराए में बयान किया जाए। आजकल मर्सिया उस नज़्म को कहते हैं जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब की शहादत का ज़िक्र हो। अच्छा, मर्सिया के अज़ाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। मीर ज़मीर ने मर्सिया की शक्ल और इसके अज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए। इसके अज़ाए तरकीबी 8 हैं, सबके बारे में आगे बताया जाएगा। तो मर्सिये की शक्ल और इसके अज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए मीर ज़मीर ने, और सौदा ने पहली बार मुसद्दस की हैयत में मर्सिया लिखा और मर्सिये को मुसद्दस की हैयत अता की। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ये मुसद्दस की हैयत में ही लिखा करते थे, लेकिन सबसे पहले मुसद्दस की हैयत मर्सिया को किसने अता की, तो सौदा ने। अब मर्सिये के अज़ाए तरकीबी की बात करते हैं। इसकी जो तरतीब है आपको ख़ास तौर से याद रखना है, तरतीब पूछा जाता है, तो पहले मैं तरतीब बता देता हूँ। सबसे पहले आता है चेहरा, फिर सरापा, उसके बाद रुखसत आमद, फिर होता है रज्ज, उसके बाद होता है जंग, फिर शहादत और सबसे आखिर में बैन होता है। ये आपको याद रखना है, सबसे पहले चेहरा, सबसे आखिर में बैन। अब चेहरा क्या होता है, तो मर्सिये का इब्तदाई हिस्सा जिसमें तमहीद के तौर पर ऐसे मजामीन बयान किए जाएँ जिनका मर्सिया के हीरो से बराह रास्त वास्ता न हो, वो चेहरा होता है। सरापा क्या होता है, इसमें हीरो का नाग नक्शा, कदोकामत, शुजात व नेक खोई का बयान किया जाता है। रुखसत क्या होता है, रुखसत हीरो का मैदान में जंग करने की इजाज़त लेना और अजीज़ों से रुखसत होना, ये मर्सिया का जो जुज़ है वो रुखसत कहलाता है। आमद हीरो का मैदान जंग में आना आमद कहलाता है। रज्ज ये इम्पोर्टेंट है, तो अरब के आदाब जंग के मुताबिक हीरो का मुकाबिल फ़ौज को फ़ख्रिया अंदाज में अपने आबा अजदाद के नामों और कारनामों से वाकिफ़ कराना और अपनी बहादुरी व बरतरी का इजहार करना, ये रज्ज कहलाता है। जंग क्या होता है, हीरो का किसी पहलवान से दस्त बदस्त, कभी फ़ौज के किसी दस्ते से हीरो का जंग करना, ये जंग कहलाता है। शहादत हीरो का ज़ख्मी होना और शहीद हो जाना, और फिर आखिरी जो है वो हीरो की मौत पर इजहार रंजो मलाल,
ये बैन कहलाता है। तो इस तरह से मर्सिया के 8 अज्जाए तरकीबी इसको मुतय्यन किए मीर ज़मीर ने। इसका आपको तरतीब याद रखना है, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत और बैन। मर्सिया को सौदा ने तशबीब से मुतारिफ कराया था, जो आगे चलकर चेहरा से मंसूब हो गया। जो चेहरा है, जो पहला जुज है, उसमें सौदा ने उसको तशबीब से मुतारिफ कराया था और ये बाद में चेहरा से मंसूब हो गया। चेहरे में बराते इस्तेहलाल की सूरत मिलती है। अब ये जो पहला जुज है चेहरा, इसमें बराते इस्तेहलाल की सूरत मिलती है। बराते इस्तेहलाल क्या होता है? तो जो नया पैदा हुआ बच्चा जो रोता है उसको बराते इस्तेहलाल कहते हैं। अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो इब्तदाए कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो मौजू से मुनासिबत ख़ास रखते हों और कारी या सामे को उनसे पता चल जाए कि मौजू क्या है, तो ये कहलाता है बराते इस्तेहलाल। ठीक है, तो बराते इस्तेहलाल जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो आपको याद रखना है चेहरे में होता है। चेहरा जो पहला जुज़ है मर्सिया का, उसमें बराते इस्तेहलाल होता है, ये पूछा गया सवाल है। मीर अनीस ने मर्सिया के बारे में ये मिसरा कहा है कि लफ्ज़ मुगलक न हो, गुजलक न हो, ताकीद न हो। तो ये भी आपको मिसरा याद रखना है मीर अनीस का है। अब देखिए इसका आगाज़ कैसे हुआ। तो उर्दू की बाज़ सिन्फों की तरह मर्सिया का आगाज़ भी दक्कन में हुआ। किस सदी में हुआ? तो उर्दू में मर्सिया निगारी की जो इब्तिदा हुई वो 16वीं सदी में हुई। अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मर्सिया निगार तस्लीम किया जाता है, जिन्होंने 1503 ईस्वी में नौ सरहार लिखी थी। नौ सरहार ये अशरफ बयाबानी की मसनवी थी जिसमें वाक़याते करबला का जिक्र है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अशरफ बयाबानी ही उर्दू के पहले मर्सिया निगार हैं, क्योंकि उन्होंने नौ सरहार में वाक़याते करबला बयान किया। अच्छा, ये तो दक्कन की बात हो गई। शुमाली हिंद का पहला मर्सिया निगार कौन? तो रोशन अली। रोशन अली ने आशूर नामा लिखा था और इसीलिए इनको शुमाली हिंद का पहला मर्सिया निगार करार दिया जाता है। दक्कन में कुछ और मर्सिया निगारों की बात करें तो आप देख सकते हैं अशरफ बयाबानी तो पहले हो गए, इसके अलावा बुरहानुद्दीन जानम ने, नूरी ने, हजरत शाह राजू ने, गवासी और वजही ने भी मर्सिया लिखे, हुसैनी और सैयद शाह नदीमुल्ला नदीम ने, मोहम्मद कुल कुतुब शाह ने भी मर्सिया लिखा, अब्दुल्ला कुतुब शाह, इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे दस्तयाब करा दी जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके डिटेल से पढ़िएगा। अब बात करें शुमाली हिंद में मर्सिया का इर्तिका किन किन लोगों ने किया, तो आपको रोशन अली को सबसे पहले याद रखना है। रोशन अली उर्दू के पहले मर्सिया निगार माने जाते हैं, इन्होंने आशूर नामा लिखा। फजल अली फजल जिन्होंने करबल कथा लिखा था, करबल कथा भी ये वाक़ियात करबला से मुतल्लिक एक दास्तानी किताब है, लेकिन इसमें अशार भी हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फजल अली फजली भी मर्सिया कहे। इसके अलावा अब्दुल्ला मिस्कीन, मुहिब यकरंग, सौदा, मीर मिर्ज़ाहिक, मीर हसन जो कि सिरुल बयान लिखे थे, ये भी मर्सिया निगार हैं। इसके अलावा शाह मोहम्मद हिदायतुल्ला और भी बहुत सारे नाम हैं, जिसमें आप जुरात का नाम और फिर हमदानी मुसाफी का नाम, उसके बाद मीर शेर अली अफसोस का नाम आप के लिए काबिले ज़िक्र है, ये आपको याद रखना है। तो ये सब शुमाली हिंद में उर्दू के मर्सिया निगार हैं। अब लखनऊ में इस सिन्फ को मेराज हासिल हुई। ठीक है, लखनऊ में मर्सिया निगारी का जो पहला दौर था वो मिर्ज़ा पना अली बेग, अफसरदा हैदराबादी, गदा और एहसान से मुतल्लिक है। उसके बाद आता है लखनऊ में मर्सिया का दौरे तामीर।
अब 19वीं सदी, अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, 19वीं सदी के आगाज को मर्सिए का दौर तामीर कहा जाता है। मर्सिए का दौर तामीर कौन? तो 19वीं सदी का आगाज, ठीक है, इसी में आपको 19वीं सदी में ही आपको मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर दिखेंगे, जिन्होंने मर्सिए को मेराज बुलंदी अता की, ठीक है। इसके अलावा 19वीं सदी के आगाज़ में जो अहम लोग थे जिन्होंने मर्सिए का दौर तामीर देखा, उनमें छन्नूलाल दिलगीर, मिर्ज़ा जाफ़र अली फसीह, मीर मुस्तहसन खलीक और मीर मुजफ्फर हसन ज़मीर, ये इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा अनीस और दबीर कितने इम्पोर्टेंट आप जानते ही हैं। अब मीर अनीस के बाद के उर्दू के मर्सिया नगारों की बात करें तो कौन कौन हैं? मीर सलीस, नफीस, मीर खुर्शीद अली रईस और सैयद अली मोहम्मद आरिफ हैं। इसके अलावा मीर इश्क, तशरुक, प्यारे साहब रसीद और मिर्ज़ा मोहम्मद जाफ़र रोज का नाम आपको याद रखना है। जदीद मर्सिया नगारों की बात करें तो जदीद मर्सिया नगार की दाग बेल डाली किसने? तो जोश ने आवाज़ हक के उन्वान से मर्सिया लिखकर 1918 में जदीद मर्सिया की दाग बेल डाली थी, लेकिन जोश खुद को जदीद मर्सिया का बानी करार नहीं देते, वो आले रज़ा को जदीद मर्सिया का बानी करार दिया है। अब जदीद मर्सिया नगारों में कौन कौन से हैं? तो जोश मलियाबादी हैं, आले रज़ा हैं, इसके अलावा जमील मजहरी हैं, याद रखना है। नजमा अफंदी, वहीद अख्तर और उम्मीद फाजली भी जदीद मर्सिया नगारों में काबिले ज़िक्र नाम हैं। अब इससे मुतालिक कुछ अहम सवालात हम डिस्कस करते हैं, ये सभी सवालात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि सरापा का इस्तेमाल किस सिनफ में होता है? तो मर्सिया में होता है। मर्सिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो मर्सिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ रसा से बना है, जिसके मानी है बैन करना, आहो बुका करना, रोना। रज्ज का मकसद क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो रज्ज क्या होता है, पीछे बताया जा चुका है, जब हीरो मैदान जंग में आता है तो अपने और अपने आबा व अजदाद के फजाइल बयान करता है और क्या करता है, दुश्मन को ललकारता है। तो रज्ज का मकसद है दुश्मन की ललकार। आमद किस शेरी सिन्फ का जुज है? तो आमद और चेहरा ये दोनों मर्सिया के जुज हैं। इनमें से कौन सा मर्सिया का जुज नहीं है? तो अभी मैंने बताया चेहरा और आमद मर्सिया का जुज है, साथ ही साथ सरापा भी है, लेकिन गुरेज नहीं है। गुरेज ये किसका है? कसीदा का जुज है। रज्ज किसका? रज्ज किस शेरी सिन्फ का जुज है? तो रज्ज जुज है ये मर्सिया का। और रज्ज का मकसद क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन, तो ऐलान जंग करना, दुश्मन को ललकारना और ऐलान जंग करना, ये रज्ज का मकसद है। आगे अगला सवाल यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ज़ैल में कौन सा जुज मर्सिया का नहीं है? तो सरापा, रज्ज और ग्रेज और रुखसत। तो यहाँ पे सरापा मर्सिया का जुज है, रज मर्सिया का जुज है, रुखसत मर्सिया का जुज है, लेकिन गुरेज नहीं है, ठीक है, गुरेज नहीं है। रज के सिनफे सुखन का जुज है, अरे भाई बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, ये तो मर्सिया का जुज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। एक शेर है, आपको बताना है कि इस शेर में फरस की बाग फेर के आने वाले किरदार कौन हैं? आता है फरस की वो इधर बाग फेर के, लाया है करबला में जो सैयद को घेर के। तो इसमें कौन हैं जो सैयद यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में घेर के लाए थे? तो हज़रत हुर, ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को घेर के करबला लाए थे। रास्ते में जब ये प्यासे थे तो इनको और पूरे लश्कर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पानी भी पिलाया था, यहाँ तक कि जानवरों को भी पानी दिया था। ये बाद में इनका हृदय परिवर्तन हुआ, यानी कि
ये बातिल को छोड़ के हक की तरफ आ गए, यजीदी फौज को छोड़ के लश्कर हुसैनी में शामिल हो गए और करबला के पहले शहीद ये बने। ठीक है, तो हज़रत हुर, ठीक है, हज़रत हुर जो थे वो मुराद हैं फरस की बाग फेर के आने वाले किरदार के तौर पर। मर्सिये को किसने तशबीह से मुतारिफ़ कराया जो आगे चलकर चेहरा से मंसूब हुई? तो मर्सिये को तशबीह से मुतारिफ़ कराया था सौदा ने और ये तशबीह आगे चल के चेहरा के तौर पर मंसूब हुई। मर्सिया के किस जुज़ में बरात इस्तेहलाल की सूरत मिलती है? तो बरात इस्तेहलाल को पीछे समझाया गया है, चेहरा में होता है बरात इस्तेहलाल। मुख्तलिफ अज़ाए तरकीबी से तश्कील करदा मर्सिया की खारजी हैत को पहली बार किसने मुतारिफ कराया था जिसे अनीस और दबीर ने इंतहाए कमाल तक पहुँचा दिया? तो मर्सिया के अज़ाए तरकीबी को तश्कील दिया था मीर ज़मीर ने और इसे कमाल तक पहुँचाया मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने। मर्सिये के किस जुज़ में बरात इस्तेहलाल की सूरत मिलती है? अच्छा सवाल है, चेहरे में मिलती है। मर्सिया के अज़ाए तरकीबी की सही तरतीब देखिए, सबसे पहले है चेहरा, सॉरी सबसे पहले है चेहरा और सबसे बाद में होता है बैन। तो आखिर में दूसरे वाले ऑप्शन में बैन सबसे बाद में नहीं, तो ये तो कट गया। अब देखिए चेहरा के बाद क्या होता है? सरापा होता है, फिर रुखसत होती है, फिर आमद होती है। फिर आमद के बाद क्या होता है? जंग होता है या फिर रस होती है? पहले लश्कर को ललकारा जाता है या फिर पहले जंग की जाती है? तो पहले अपने आबाव अजदाद के कमालात और उनकी बरतरी बयान करके लश्कर को ललकारा जाता है, फिर जंग होती है ना, तो इसलिए रज पहले होगा जंग बाद में होगी, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। चेहरा सरापा, चेहरा रुखसत यहाँ पे पहले आ गया, हालांकि सरापा ना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो अब बचा कौन? चौथा वाला ऑप्शन, इसमें है चेहरा सरापा रुखसत आमद फिर रज फिर जंग फिर शहादत और सबसे आखिर में बैन, यानी कि यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। किस शायर ने मर्सिये को मुसद्दस की हयात बख्शी? तो मर्सिये को मुसद्दस की हयात बख्शी थी मीर ज़मीर ने। बैन किस सिनफ़ शायरी का लाजमी जुज है? तो मर्सिया का लाजमी जुज है बैन। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि मर्सिया के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, ये कौल किसका है? तो ये कौल ख्वाजा अल्ताफ हुसैन खाली का है। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने किस हयात में मर्सिये कहे? तो मुसद्दस ने मर्सिये कहे। पहली बार मुसद्दस में मर्सिया किसने कहा था? तो मिर्ज़ा मीर ने कहा था। ज़ैल में एक दावा और एक दलील दी गई है, इन्हें गौर से पढ़िए और सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। दावा क्या है? कि उर्दू मरासी सानह करबला के बेहतरीन अक्कास हैं। दावा सही है, बिल्कुल सही है। अब दलील देखते हैं, इसमें सानह करबला के तमाम मुमकिन पहलुओं का मुअस्सर तरीके से इहाता किया गया, तो सही बात है। जो उर्दू के मर्सी हैं उसमें सानह करबला का मुअस्सर तरीके से इहाता भी किया गया है, तो दावा भी सही, दलील भी सही, दावा भी सही, दलील भी सही, चौथे वाले ऑप्शन में है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया? उर्दू मर्सिया से मुतालिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आपको बताए और इससे मुतालिक अहम सवालात भी हल कराए और इसकी आंसर की आखिर में डाल दी। जब आप PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर की मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।